जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है बहुत बेहतर बहुत अच्छे होंगे दिस इज आशीष त्रिपाठी एंड वेलकम टू एम्पिजाम वाला दोस्तों आज जनवरी की बात करें तो आज थर्ड ऑफ जनवरी है तीन जनवरी 2024 है और आज की सुर्खियों में हमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स की बात करें डिफेंस से संबंधित जो खबरें हैं वो क्या क्या दोस्तों आज के सेशन मिलने वाली हैं वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं तो सभी लोग एक जोश के साथ में फटाफट अपनी अटेंडेंस जय हिंद के माध्यम से लगाए जिससे आज के शानदार सेशन का का आगाज किया जा सके चलिए सभी का स्वागत श्रेया साक्षी स्वाति सोनू दीपक अनीता पूनम रानी सिंह कृतिका वसुधा सभी का स्वागत भैया चलिए फटाफट जुड़ते जाइएगा सारू पटेल स्वागत जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी का दोस्तों है ना स्वागत है चलिए दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पर्टिकुलर सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कल के सेशन में भी डिस्कस किए थे मध्य प्रदेश का जो रिपोर्ट कार्ड था मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड आपका आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हमने कल के सेशन में डिस्कस किया हुआ है इसके अलावा दोस्तों एक अनाउंसमेंट है यदि आप चाहते हैं कि पीडब्ल्यू के अंतर्गत आपको जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस करवाई जा रही है प्रीवियस कुछ क्लासेस हैं उसकी पीडीएफ मिल पाए तो उसके लिए दोस्तों आपको पीडब्ल्यू जो ऐप है इंस्टॉल करना होगा इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों वहां पर जो डीसीए की क्लासेस है उसको आप वहां पर जाकर अपने आप को इनरोल कर लीजिए जैसे आप डीसी क्लास में इनरोल करेंगे तो आपको सारे नोट्स पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी तो देर अब नहीं करनी है आपको हाल ही में दोस्तों ये पर्टिकुलर डीसीए बैच को इनरोल कर लेना जिससे आपको पीडीएफ प्रॉपर मिलती रहे चलिए फिलहाल दोस्तों आज के एक मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत फेवरेट लाइन है जो वो बोलते थे ना कि कभी यह मत कहना कभी यह मत कहना कि मैं नहीं कर सकता स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि कभी यह मत कहना कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक अनंत स्वरूप हो और तुम सर्व शक्ति हो तो अपने आप को पहचानो क्योंकि आपके अंदर ही शक्तियां छुपी हुई हैं बस उन शक्तियों को बाहर निक... निकालने की आवश्यकता है अपने आप को जानने की आवश्यकता है तो बस हर एक चीज संभव हो पाएगी बस ये सोच लेना ये ठान लेना कि हर एक चीज मैं कर सकता हूं मैं सर्वशक्ति मान हूं चलिए दोस्तों तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि मैं कल की क्लासेस की बात करूं तो कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसके अंतर्गत इंटर ऑपरेबल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था और सीसीटीएनएस था इसके बारे में दोस्तों हमने क्लास में डिस्कस किया था इसके अलावा मध्य प्रदेश से संबंधित जो आपका पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्ड था जो दोस्तों अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया था इससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट थे वो हमने क्लास में डिस्कस किए थे खेल संबंधी प्रमुख खबरें डिस्कस की थी एनसीआरबी की रिपोर्ट डिस्कस की थी और आज के सेशन में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वित्त आयोग ना क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों जो 16वा हमारा वित्त आयोग है जो 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन है काफी चर्चा का विषय रहा तो यहां पर क्या कुछ हमें खबरें मिलेंगी वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इसके अलावा हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश का भी आपको दोस्तों यहां पर मिल जाएगा चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल रेडियो नाम से रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है फटाफट आंसर देना विकल्प आपके सामने है भोपाल इंदौर ग्वालियर या फिर जबलपुर मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल रेडियो नाम से रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है सभी को ऑप्शन दिख रहा होगा इन सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज अ रेडियो स्टेशन नेम्ड अटल रेडियो फटाफट आंसर दो तो भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर वैसे नाम से समझ में आ गया होगा आपको ठीक है चलिए यहां पर आंसर आना शुरू हो गया आकांक्षा अनीता स्वाति सारे स्टूडेंट आंसर देंगे सभी लोग आंसर देते जाइएगा चलिए बहुत शानदार चलिए फिलहाल यहाँ इंदौर शहर आ रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ठीक है चलिए सभी लोगों ने यहां पर आंसर मैक्सिमम लोगों ने इंदौर दिया है ना ऐसा नहीं है कि अब आप सोचें जन्म स्थान जहां पर है वहां से ग्वालियर हम आंसर टिक करते हैं चलिए दोस्तों तो मैं अटल रेडियो की बात करूंगा तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अर्थात इंदौर और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दोस्तों अटल रेडियो के नाम से एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है और यदि शुरुआत की बात करें तो यहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आता है जिनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव जिनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर इसके अलावा यदि हम एक क्वेश्चन की बात करें जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में पहला जो आकाशवाणी केंद्र है दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मध्य प्रदेश में यदि पहली बार आकाशवाणी केंद्र की बात करेगा तो उसकी स्थापना दोस्तों सन 1955 में की गई थी अर्थात 1955 में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई इसके अलावा दूसरा यदि आकाशवाणी केंद्र पूछता है तो दूसरा था आकाशवाणी केंद्र दोस्तों कहां पर स्टार्ट किया गया था तो ये भोपाल में किया गया था पहला कहां किया गया तो पहला आपका हो जाता है दोस्तों यहां पर नाइनटीन 1955 में जिसमें इंदौर का नाम आपको देखने को मिलता है और दूसरा यदि हम बात करेंगे तो यहां पर भोपाल का नाम देखने को मिलेगा तो दोस्तों यदि मैं प्रॉपर यहां पर एक डेट की बात करूं तो मध्यप्रदेश में आकाशवाणी की जो शुरुआत है ये सर्वप्रथम कहां पर हुई थी तो इंदौर शहर में हुई थी जैसा कि मैंने बताया और यदि हम यहां पर डेट भी मैंशन कर दें तो नाइनटीन के साथ में आपको डेट क्या मिल जाएगी बाईस मई उन्नीस पचपन अर्थात ट्वेंटी सेकेंड ऑफ में 1955 को मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत की गई थी ये डेटा भी आप यहां पर याद रखिएगा इसके अलावा दोस्तों हम बात करें भोपाल में विज्ञापन प्रसारण जो सेवा है इसकी शुरुआत हुई थी कब हुई थी 1975 में।, 1975 में 1975 में दोस्तों जो विज्ञापन प्रसारण सेवा है ये कहां से स्टार्ट हुई तो ये भोपाल शुरू हुई कब हुई 1975 में एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुई तो बहुत कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो यदि आपसे ऐसा पूछता है कि भारत में कि जो कलर टीवी है इसकी शुरुआत कब हुई तो याद रखना यहां पर आंसर आएगा 1982 तो ये तीनों फैक्ट आपको यहां पर याद रखने होंगे चलिए बात समझ में आ रही है वेरी गुड तो रंगीन टीवी की बात करेंगे 1982 का यहां पर नाम देखने को मिल जाता है दोस्तों यदि मैं भोपाल की आकाशवाणी केंद्र की बात करूंगा तो भोपाल में आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना है इकतीस अक्टूबर उन्नीस में हुई थी यानी पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर इंदौर में दूसरा यदि हम बात करेंगे तो कहां पर भोपाल में ये भी आपके लिए कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है इसके अलावा दोस्तों आकाशवाणी केंद्र ग्वालियर की बात करेंगे तो ग्वालियर में इसकी स्थापना हुई थी पंद्रह अगस्त उन्नीस चौसठ में 1964 में जबकि आकाशवाणी केंद्र दोस्तों जबलपुर की बात करते हैं जबलपुर में 6 नवंबर उन्नीस में दोस्तों आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत आपको देखने को मिल जाती है इसके अलावा आकाशवाणी केंद्र छतरपुर की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना सात अगस्त उन्नीस यानी छिहत्तर में की गई थी और इसके अलावा दोस्तों जब हम रीवा की बात करते हैं तो रीवा में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अक्टूबर उन्नीस अर्थात सेकेंड ऑफ अक्टूबर 1977 को की गई थी तो इस डेटा का स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्योंकि ये आपकी आगामी परीक्षाओं में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिल जाते हैं चलिए बात समझ में आ रही है वेरी गुड हाँ रीवा की बात करेंगे एडवोकेट जो, ज्योति तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1977 चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ तो मध्य प्रदेश में दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो सन 1856 में सबसे पहले भोपाल और जबलपुर में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हुई थी यानी मध्य प्रदेश में यदि हम टेलीफोन सुविधा की बात करेंगे तो यह हमें कब देखने को मिला नाइन एटीन फिफ्टी सिक्स में सबसे पहले जो टेलीफोन सुविधा थी दोस्तों वो हमें अठारह में भोपाल और जबलपुर में देखने को यहां पर मिलती है अब दूरदर्शन की यदि हम बात करें तो दूरदर्शन की जो स्थापना है वो दिल्ली में दोस्तों 15 सितंबर 1959 को हमें देखने को मिलती है अब एक क्वेश्चन यहां पर और भी इंपॉर्टेंट दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा उा यदि कई बार परीक्षाओं में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा तो एक नाम आता है जिसको हम ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं क्या बोलते हैं इसको तो इसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो ठीक है Radio, हाँ समझिएगा तो यदि मैं ऑल इंडिया रेडियो की बात करूंगा तो यदि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑल इंडिया रेडियो दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था तो क्या होगा आंसर एक बार कमेंट करके मुझे जरूर सभी लोग बता दीजिएगा जबकि दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन कब शुरू हुआ सेप्टेंबर नाइनटीन फिफ्टी नाइन में तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम आता है और दूसरा दोस्तों परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम विविध भारती के नाम से जानते हैं अच्छा विविध भारती के बारे में पूछा जाए तो याद रखना विविध भारती जो सेवा है ये हमें 1997 में देखने को मिलता है और जब हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं तो इसका नाम दोस्तों हमें 1957 देखने को मिलेगा ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब एक और परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में डीटीएस सेवा कब शुरू हुई थी यानी डीटीएस जिसको हम डायरेक्ट टू होम के नाम से जानते हैं जिससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, से माध्यम से हमें सिग्नल प्राप्त होते हैं और हम टीवी प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट टू होम सेवा तो यदि मैं आपसे बोलता हूं कि डीटीएस सेवा कब शुरू हुई तो इसमें आंसर क्या आएगा और वो दोस्तों कौन सा प्लेटफॉर्म था जिसके द्वारा भारत में सबसे पहले डी सेवा शुरू हुई थी 2000 गलत आंसर 2000, is the incorrect, है टू इज द इनकरेक्ट है ना चलिए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिएगा कि डायरेक्ट टू होम सेवा कब शुरू हुई तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए दो आंसर इसका नहीं होगा चलिए और आंसर दीजिएगा याद करो मैंने क्लास में बताया था 2000 आंसर नहीं 2000 में तो बी की स्थापना हुई थी याद करो 2003 थाउजेंड थ्री मैंने आपको बताया था ना 2003 में डायरेक्ट टू होम की सेवा प्रारंभ की गई थी ये भी डेटा याद रखना किसने स्टार्ट किया था तो यहां पर नाम किसका आएगा चलिए आंसर आ गया सर डिस टीवी का चलिए तो ये डेटा भी आप यहां पर याद रखिएगा चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यदि मैं टीवी की बात करूं तो टीवी के आविष्कारक किन जाना जाता है तो याद रखना दोस्तों जब मैं टीवी की बात करूंगा तो यहां पर जे एल बियर्ड का नाम आता है जिनका फुल फॉर्म है जॉन लॉगी बेयर्ड है ना टीवी के आविष्कारक कौन तो नाम क्या हो गया जेएल बेयर्ड इन्होंने सन 1924 में दोस्तों टीवी का आविष्कार किया था आपने इनके बारे में पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं आविष्कारक वाला जो पार्ट बनता है ना कि इन्वेंटर फील्ड तो वहां पर भी आपने बेयर्ड का नाम सुना होगा इनके द्वारा दोस्तों यदि मैं बात करूं फोर में टीवी का आविष्कार किया गया था जबकि रंगीन टीवी की शुरुआत भारत में कब हुई तो उन्नीस में यह डेटा भी आपको यहां पर याद रखना है इसके अलावा दोस्तों हम बात करें ट्वेंटी में एक नाम आता है फिलो फांसवर्थ का इन्होंने दुनिया के पहले वर्किंग टेलीविजन का निर्माण किया था और 1 सितंबर 1928 को प्रेस के सामने इसको पेश किया गया था जबकि दोस्तों कलर टेलीविजन का जो अविष्कार है वो भी जेएल बेयर ने किया था लेकिन ये वर्ष हमारा 1928 का देखने को मिल जाता है वेरी गुड चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आर डी एस एस के तहत कैपेसिटर बैंक वाला पहला जिला बना है जिसमें नर्मदापुरम है भोपाल है खंडवा है और इंदौर है क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग फटाफट कमेंट करते जाइएगा विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव कैपेसिटर बैंक अंडर आर डी एस एस क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा आर डी एस एस दोस्तों जिसको हम रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के नाम से जानते हैं चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा चलिए आंसर मेरे पास आ रहा है खंडवा खंडवा कुछ लोग इंदौर आंसर भी दे रहे हैं ओके okay. फटाफट आंसर देते जाइएगा वेरी गुड खंडवा कुछ लोग इंदौर बोल रहे हैं चलिए देखिएगा दोस्तों यदि मैं यहां पर बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा खंडवा इज द करेक्ट आंसर अर्थात सी हमारा सही आंसर होगा और जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की बात करते हैं उसकी एक योजना जिसको हम आर के नाम से जानते हैं यदि हम इसके फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म हो जाएगा रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इसमें अलग अलग ग्रिडों के तहत दोस्तों कैपेसिटर बैंक लगाने का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बहुत तेजी से यहां पर कर रहा है इसके अलावा दोस्तों यहां पर छह महीने में यदि मैं बात करूं तो खंडवा जिले में अट्ठाईस ग्रिडों पर कैपेसिटर बैंक का कार्य भी पूरा हो चुका है और यह कार्य करने वाला दोस्तों याद रखिएगा जो खंडवा जिला है ये हमारा पश्चिम मध्य प्रदेश में पहला जिला ये बन गया है तो आंसर क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर है और ये विशेषकर दोस्तों कृषि तो क्षेत्र है हमारे उन किसानों के साथ बिजली वितरण कंपनी को फायदा मिलने वाला है चलिए तो ये डेटा भी आप यहां पर याद रखिएगा इसके अंदर का दोस्तों ग्रिड है लाइन है ट्रांसफॉर्मर है इसके लिए दोस्तों लंबे समय तक ये व्यवस्थाएं काफी बेहतर यहां पर मिलने वाली हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां पर अटल स्मारक का भूमि पूजन किया गया है आंसर दीजिएगा दोस्तों और अटल स्मारक की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं दोस्तों तो इनका जन्म हमें स्थान कहां पर देखने को मिलता है तो आंसर क्या हो जाएगा ग्वालियर क्या हो जाएगा भैया ग्वालियर होगा क्या चलिए फटाफट बताइएगा कि मध्य प्रदेश में अटल स्मारक का जो भूमि पूजन है ये कहां पर किया गया है सभी लोग एक बार आंसर दीजिएगा क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का आंसर एक बार फटाफट आंसर देना मैं नाम रिपीट कर रहा हूं प्रज्ञा उदय स्वाति ठीक है चिंटी संजना मोहित इन सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है पूनम है दीपशिखा है जिन्होंने आंसर यहां पर ग्वालियर दिया हुआ है घनश्याम है सालू है सोनू दीपशिखा ठीक है अभिनव राधिका सारू घनश्याम अनीता संजना वेरी गुड तो इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर है ना मोहन यादव जी जो कि मुख्यमंत्री हैं इन्होंने ग्वालियर के दोस्तों जो सिरोंज पहाड़ी है यहां पर अटल स्मारक का भूमि पूजन किया है जिसके लिए लगभग लगभग यदि हम बात करें तो दो करोड़ रुपए की लागत यहां पर आने वाली है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपको बताया कि ये भारत के पूर्व क्या रह चुके हैं प्रधानमंत्री रह चुके हैं तीन बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे तो कहां पर आंसर आता है ग्वालियर और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में जानते हैं तो याद रखना जो कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म जयंती है उसको हम किस रूप में मनाते हैं तो उसको हम गुड गवर्नेंस डे अर्थात सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है इसके अलावा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में कहां पर हुआ था तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और जब 1942 की बात करते हैं 1942 की बात करते हैं तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राजनीति में प्रवेश दोस्तों कविताओं में भी काफी बेहतर जाने जाते थे और इनको भारत रत्न भी सम्मानित किया जा चुका है जो हमारे भारत का सबसे हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है तो यदि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूं दोस्तों इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी से समाचार पत्रों के लिए पत्रकार के रूप में दोस्तों एक हिंदी मासिक है अलग अलग कैटेगरी से यहाँ पर दोस्तों इन्होंने शुरुआत की जैसे पांच जन का नाम है राष्ट्र धर्म का नाम है दैनिक समाचार पत्रों में स्वदेश और वीर अर्जुन के साथ में भी इन्होंने काम करना यहाँ पर प्रारंभ किया था और इसके बाद में दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर इन्होंने उन्नीस में नाइनटीन में भारतीय जनसंघ में ये शामिल हो गए थे समझ में आ रही है बात चलिए इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की लिस्ट की बात करें तो आपको इनकी फोटो यहां पर दिख रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1998 से 2004 तक पूर्णकालिक प्रधानमंत्री के तौर पे ये देखने को मिल जाते हैं ये एक लिस्ट है प्रधानमंत्री की आपको यहां पर लिस्ट दिख रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये नाम आपको दिख रहा है और जब उन्नीस की बात करते हैं नाइनटीन की बात करते हैं तो याद रखना इन्हीं के कार्यकाल के दौरान दोस्तों कारगिल वॉर में हमने जीत हासिल की थी और नाइनटीन में ही पोखरन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट भी राजस्थान में किया गया था समझ में आ रही है बात ठीक है ओके इसके अलावा दोस्तों हम यहां पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तौर पे ठीक है अटल बिहारी वाजपेयी जी को उत्तरदायित्व तो सौंपा गया था ये दो बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी हुए थे और उन्नीस में इन्होंने प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाली थी ठीक है और तीन बार ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं अब मुझे एक बार सभी लोग कॉमेंट करके जवाब दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत से कब सम्मानित किया गया था वो कौन सा वर्ष था जब भारत रत्न सम्मानित किया गया था माननी अटल बिहारी वाजपेयी जी को फटाफट कमेंट करके बताइएगा आंसर दीजिएगा दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत से कब सम्मानित किया गया था वो वर्ष क्या था चलिए यहां पर आंसर सबसे पहले जया मिश्रा जी ने दिया हुआ है टू ठीक है जय राज दिवाकर श्रेया तो याद रखना दोस्तों 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बिल्कुल सही आंसर घनश्याम सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसके अलावा दोस्तों वाजपेयी जी ने बोला था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता तो एक मतलब कविताओं की बात करते हैं तो कविताओं में भी दोस्तों इनका नाम बहुत बेहतर तरीके से जाना जाता है और इनकी एक कविताओं का कलेक्शन है जिसको हम बोलते हैं मेरी इक्यावन कविताएं तो मेरी इक्यावन कविताएं यदि कभी परीक्षा में पूछा जाए दोस्तों किसका कविता संग्रह है तो इसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप नाम यहां पर टिक करेंगे ठीक है इसके अलावा दोस्तों शुरुआत में तेरह दिन के लिए प्रधानमंत्री बने फिर तेरह महीने के लिए लेकिन पूर्णकालिक जो ये आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं वो उन्नीस में उन्नीस अप्रैल उन्नीस से ठीक है ये याद रखिएगा और दोस्तों जब बीजेपी के हम गठबंधन की बात करते हैं तो बीजेपी के गठबंधन को हम एनडीए के नाम से जानते हैं जिसको हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का नाम यहां पर देखने को मिलता है बिल्कुल सही जय जवान जय किसान बिल्कुल चलिए आगे बढ़े भैया जय अनुसंधान ओके हाँ इक्यावन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं का संग्रह जो कि ऑटोबायोग्राफी या बुक के फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होता है चलिए आगे बढ़े भैया यहां तक किसी कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई समस्या ठीक है तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पे उन्नीस तथा उन्नीस में दो बार यहाँ पर प्रधानमंत्री बने और याद रखिएगा 2015 में दोस्तों इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और उन्नीस में दोस्तों इनको सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान दूसरा है जिसका नाम है पद्म विभूषण इससे भी सम्मानित किया जा चुका है एनडीए का फुल फॉर्म है संध्या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन जो पार्टी है उसको हम एनडीए के नाम से जानते हैं चलिए हाँ सोनू क्या पूछ रहे हैं मेरा डाउट है एक आंसर सही हुआ है मेरा लेकिन मेरा नाम दिखा नहीं सर बिल्कुल सोनू है ना हम सभी को गौरव है आप पर ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड प्राउड ऑफ यू है ना बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप एक आंसर आपका सही हो गया चलिए तो यहां पर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो एक आप देख पा रहे हैं चुनी हुई कविताएं है, है ना ये भी एक संकलन इनका देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात करें तो एक आपको यहां पर फोटो और दिख रही है, दोस्तों, जिसका नाम है अटल जी ने कहा क्या नाम है अटल जी ने कहा तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट एक बार फटाफट सभी लोग नोट डाउन इसको करिएगा फटाफट नोट डाउन करिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़े भैया यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए तो चुनी हुई कविताएं और दूसरा नाम हो गया अटल जी ने

विकल्प सभी को दिख रहे हैं ऑप्शन दिख रहे हैं चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ओके चलिए कुछ लोग आंसर यहां पर कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं कुछ आंसर यहां पर राजेंद्र शुक्ला भी दे रहे हैं पढ़ा है या फिर आंसर अपने हिसाब से दे रहे हैं चलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यदि मैं भारतीय कांग्रेस की बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कि रीवा से बिलोंग करते हैं नाम है इनका राजेंद्र शुक्ला जी अर्थात तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका आंसर क्या होगा भैया सी आंसर होगा तो हाल ही मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है राजेंद्र शुक्ला इन्होंने जबलपुर में कहां पर जबलपुर में तीन दिन आयोजित होने वाली थर्टी एट जो भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस है इसका उद्घाटन इनके द्वारा यहां पर किया गया है जो कि दोस्तों सत्ताईस दिसंबर से उन्तीस दिसंबर तक आपका इसका आयोजन कहां पर हुआ था जबलपुर में हुआ था जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर जबलपुर दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो दोस्तों हमारा हॉकी है ना फेडरेशन है ठीक है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जो ये हॉकी फाइव एस जो विश्व कप का पहला संस्करण था ये कहां पर इसका आयोजित किया जाए जिसमें ऑप्शन है कतर है ओमान है यू ए है और अगला हमें ऑप्शन यहां पर ईरान देखने को मिल जाता है और आपने दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा का विषय ये बना हुआ है फटाफट दीजिएगा बहुत शानदार यामी सारे आंसर सही जा रहे हैं बिल्कुल ये वही मेहनत होती है दोस्तों आप सभी की यदि आप क्लास में रेगुलर हैं क्लासेस में टाइम से आ जाते हैं तो हर एक चीज डेटा रिवीजन भी होता जाता है और कही कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है चलिए यहां पर मैग्जिक स्टूडेंट ने जो आंसर है वो ओमान दिया है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ओमान होगा तो याद रखना दोस्तों जो एफ हॉकी फाइव विश्व कप है इसका जो पहला संस्करण है ये ओमान की राजधानी क्या है तो याद रखना जो ओमान की कैपिटल उसका नाम मस्कट कहां पर आयोजित हो रहा है तो ये मस्कट में आयोजित किया जाएगा जिसके दौरान दोस्तों पुरुष और महिलाएं दोनों इस प्रतियोगिताओं में शामिल होंगी तो याद रखना तो 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 टूर्नामेंट में प्रति टीम में पांच खिलाड़ी आपको देखने को मिलने वाले पुरुष और महिलाओं दोनों यहां प्रतियोगिताएं होंगी इसके अलावा दोस्तों महिला विश्व कप की बात करें तो ये 24 जनवरी से 27 जनवरी दो 2024 के मध्य में आयोजित किया जाएगा और पुरुष विश्व कप की बात करें तो पुरुष विश्व कप 28 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य में आयोजित किया जाएगा चलिए है ना काफी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा चलिए याद रहेगा भैया क्लियर हो गई बात ओके तो यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे तो यह जो मैदान में जहां पर होता है तो नियमित तौर पे दोस्तों ये आकार में बहुत देखा जाए तो आधा होता है हाफ होता है और उसमें 20 मिनट का ये खेल होता है जिसको हम फाइव एस प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करनी बहुत अच्छे से ये चीज पढ़नी है क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक के तौर पे आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपसे फिर से यहां पर इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं और यहां से दोस्तों ये जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा इसको नोट डाउन बहुत अच्छे से करना है क्योंकि यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है क्वेश्चन क्या है निम्न में किसे सोलवी वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड द चेयरमैन ऑफ द सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन सोलवा वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों आप सभी को बताओगा जब हम पंद्रवें वित्त आयोग की बात करते हैं तो एन के सिंह का नाम यहां पर देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों यदि मैं यहां पर बात करूंगा तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष में अरविंद पनगरिया का नाम देखने को मिलता है जिनको सोलहवीं वित्त आयोग का क्या बनाया गया है इनको अध्यक्ष बनाया गया इनकी आप लेफ्ट हैंड साइड में फोटो भी देख पा रहे हैं दिख रही है भाई फोटो एक बार कॉमेंट करके बता देना दिख रही है फोटो तो चलिए क्लियर है हाँ. अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जिनका नाम है अरविंद पनगरिया इनको सोलवे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ना अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो नीति आयोग है ये क्या है तो दोस्तों आप सभी को बताओगे नीति आयोग का गठन कब किया गया था सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसका फुल फॉर्म फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये तो फुल फॉर्म हो गया अब कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और मुझे उम्मीद है दोस्तों तो पता भी है कि जो सेवनटीन ऑफ दिसंबर को एम का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था अभिनव सालू राधिका जया ठीक है तबस्तुम यामिनी इन सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है एक जनवरी दो पंद्रह को ठीक है एक जनवरी 2015 को और जो इससे पहले प्लानिंग कमीशन होता था जिसको हम योजना आयोग के नाम से जानते थे तो योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ था तो नीति आयोग का गठन किया गया है, है? है ठीक अब एक क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग में अध्यक्ष कौन होते हैं तो अध्यक्ष हमेशा दोस्तों प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना? अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो नरेंद्र मोदी साहब हो गए अब यहां से दो क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं कि इसके उपाध्यक्ष कौन है ठीक है उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है जिसको हम चीफ ऑफिसर के नाम से जानेंगे जिसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वाइस चेयरमैन कौन है फटाफट भैया कमेंट करके बता देना बिल्कुल सही आंसर निकता आपने दिया हुआ है चलिए तो यहां पर किसका नाम आएगा उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम आपसे अध्यक्ष नहीं पूछ रहे क्योंकि हमेशा अध्यक्ष नीति आयोग के कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो 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 यहां पर एक नाम आया दोस्तों जब जब हम हम बात बात करते हैं सुमन सुमन तो सुमन बेरी 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 की कौन कौन हो तो ये हो 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 गए 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 ये ये उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष याद रखना हो तो हो और जब हम बात करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तो यहां पर नाम किसका आएगा तो बीवीआर सुब्रमण्यम का नाम आएगा आपको इनके बारे में जानकारी होगी और आपने इनको पढ़ा भी होगा कई बार मैंने क्वेश्चन एग्जाम में ये वाले पर्टिकुलर क्लासेस में कराए ठीक है डेटा भी आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में यहां से देखने को मिल जाएगा कि वर्तमान में इसके सीईओ कौन है या फिर दोस्तों यहां पर उपाध्यक्ष कौन है इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जो सोलवा वित्त आयोग है ये एक अप्रैल दो से अगले पांच साल के लिए अपनी सिफारशें देने वाला है मतलब यदि सोलवे वित्त आयोग की हम बात करेंगे तो सोलवा वित्त आयोग कब स्टार्ट हो रहा है एक अप्रैल 2026 से ठीक है इसके अलावा दोस्तों हम आयोग की बात करें तो 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपने की भी बात यहां पर कही गई है इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो वित्त मंत्रालय में जो संयुक्त तो सचिव है जिनका नाम क्या है ऋत्विक रंजन ठीक है रंजनम पांडे जी ठीक है इनको आयोग का क्या बनाया गया तो सचिव बनाया गया तो ये डेटा भी आप यहाँ पर याद रखिएगा ठीक है, है तो इनका नाम क्या है तो है ना सोल वित्त आयोग में सचिव कौन बनाया गया उनका नाम है दोस्तों ऋत्विक रंजनम पांडे तो ये डेटा भी आप यहाँ पर याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया दोस्तों जनवरी 2015 से लेकर अगस्त 2017 तक क्या रहे हैं तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं तो यदि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है परीक्षा में कि बताइए नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन रहे तो याद रखना इसमें नाम किन का जाएगा तो यहां अरविंद पनगरिया का नाम देखने को मिलता है अब एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से दोस्तों कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष में तो नाम आता है अरविंद पनगरिया का लेकिन नीति आयोग के यदि मैं पहले सीईओ पूछता हूं नीति आयोग के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहे तो फिर नाम क्या होगा क्योंकि यह भी कई बार डायरेक्ट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन तो नीति आयोग में दोस्तों यदि मैं पहले सीईओ की बात करूंगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करूंगा तो इसका आंसर कितने स्टूडेंट यहां पर दे सकते हैं बहुत शानदार मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग बहुत शानदार आंसर देते हैं जैसे कि यहाँ मोहित कविता जया तबस्सुम सोनू इन सभी ने आंसर दोस्तों दिया है तो नाम आता है सिंधु श्री खुल्लर का नाम देखने को यहाँ पर मिलता है ये मैंने स्टार्टिंग में भी क्लास में करवाया था और आपको याद होगा जब मॉर्निंग की क्लासेज में मैंने आपको बताया था ना कि नीति आयोग जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है और वही हुआ सेवनटीन ऑफ दिसंबर में नीति आयोग से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो पिछले दिनों जी ट्वेंटी मीटिंग की बात करें तो भारत के सेरपा के तौर पर किन का नाम आएगा तो भी याद रखना ठीक है तो नाम देखने को आपको मिलता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अलावा दोस्तों टर्की 2015 दो चाइना 2016 जर्मनी 2017 की अध्यक्षता के दौरान G20 की मीटिंग में दोस्तों भारतीय टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं ठीक है याद रखिएगा क्लियर होगी बात भैया चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं ठीक है इसके अलावा दोस्तों बात करें पंद्रहवें वित्त आयोग की तो याद रखना पंद्रहवें वित्त आयोग में अध्यक्ष कौन देखने को मिलते हैं तो इनका नाम है एन के सिंह क्या जानकारी है एक बार कमेंट कर देना तो पंद्रह वित्त आयोग में जो फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन है ना दोस्तों इसमें एनके सिंह का नाम देखने को मिलता है जो कि इकतीस मार्च 2026 तक इसकी आपको वैधता देखने को मिल जाती है ठीक है इसके अलावा दोस्तों वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद कौन सा तो आर्टिकल टू और टू की बात करते हैं दोस्तों तो इसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है तो वित्त आयोग हमें किसमें देखने को मिलता है तो अनुच्छेद दो અનુચ્છેદ દો સો अस्सी और दो की बात करें तो इसका उल्लेख वित्त आयोग का यहां पर किया गया है जो एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय के रूप में दोस्तों जाना जाता है इसके अलावा दोस्तों जो 280 का भाग एक है उसमें कहा गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और इसमें चार अन्य सदस्य मतलब एक अध्यक्ष होगा और वित्त आयोग में चार क्या होंगे तो चार आपको अन्य सदस्य देखने को मिलेंगे जिनको जिनको मिलाकर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा तो तो ये डेटा भी आपको याद रखना है सदस्य कितने मिलते हैं तो चार आपको अन्य सदस्य भी देखने को यहां पर मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके अलावा दो का जो भाग दो है यह कहता है कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग को निर्धारित यहां पर कर पाए चलिए इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो वित्त आयोग का कार्य क्या होता है तो आपने ये तो पढ़ा होगा जब हम करों के बंटवारे की बात करते हैं जो टैक्सेस होते हैं कर हैं उनके बंटवारे की बात करते हैं तो इसमें वित्त आयोग का नाम देखने को मिल जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्य राज जो है उनके मध्य में जो शुद्ध कर प्राप्ति है उनको कैसे वितरित किया जाए कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसको लेकर बंटवारे में कर बंटवारे में दोस्तों हमारा काम कौन करता

दूसरा क्या होता है इसको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट फंड पब्लिक अकाउंट फंड और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कंटेंजेंसी फंड आपने इन सभी के नाम सुने होंगे ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कंसोलिडेट फंड दोस्तों जिसको हम संचित निधि के नाम से जानते हैं क्या बोलते हैं संचित निधि है ना पब्लिक अकाउंट फंड जिसको हम बोलते हैं लोक लेखा निधि क्या बोलते हैं लोक लेखा निधि और जो जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कंटेंजेंसी फंड इसको हम बोलते हैं आकस्मिक निधि कई बार यहां से भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कंटेंजेंसी फंड है ना जो कंटेंजेंसी फंड है ये किस आर्टिकल में आता है और ये दोस्तों आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ठीक है तो गवर्नमेंट फंड की बात करेंगे तीन तरह के तो एक बार आप सभी लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि कंसोलिडेटेड जो फंड है ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल किस अनुच्छेद में इसके बारे में व्याख्या की गई है एक बार कॉमेंट करके सभी लोग बताइएगा संचित निधि हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलता है कमेंट कर दो भैया क्योंकि मुझे उम्मीद है इसका तो आंसर आप लोग सभी लोग बिल्कुल सही दे पाएंगे ठीक है जब तक आप लोग आंसर दीजिएगा चलिए दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे तो फिलहाल वित्त आयोग में पहला जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन तो इनका नाम है केसी नियोगी ठीक है याद रखना जो केसी नियोगी हैं ये दोस्तों वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन के सी नियोगी और इनका कार्यकाल उन्नीस सौ बावन से उन्नीस सौ सत्तावन तक चलिए आंसर मेरे पास आना शुरू हो गया सर दो सौ का भाग एक दो सौ का भाग एक ठीक है अच्छा यदि मैं कंटेंजेंसी फंड की बात करूंगा तो वो किस आर्टिकल में आएगा एक बार कमेंट कर दो भैया कंटेंजेंसी फंड तीनों सभी लोग बता देना कि कंसोलिडेटेड फंड का कौन सा आर्टिकल है कंटेंजेंसी फंड का और पब्लिक अकाउंट फंड का दोस्तों याद रखना जितने भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं उन सभी की सैलरी कहां से जाती है तो वो सभी कंसोलिडेटेड फंड से जाती है याद रखना इसमें जितने भी टैक्सेस हैं ठीक है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये सभी हमारा जो पैसा है कलेक्शन है ये कहां पर रखा जाता है तो ये कंसोलिडेटेड फंड में अमाउंट को रखा जाता है इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना जबकि दोस्तों कई बार गवर्नमेंट कोई स्कीम है जैसे मैंने आपसे बोला अभियान मिड डे मील है ठीक है या मैं यहां पर दोस्तों प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो ये जो पैसा है ये आपको पब्लिक अकाउंट फंड में देखने को मिलता है अब एक क्वेश्चन होता है दोस्तों कि कंसोलिड फंड से यदि हमें पैसा खर्च करना है तो क्या हमें पार्लियामेंट की स्वीकृति की आवश्यकता होगी तो याद रखना है यदि हम पार्लियामेंट की स्वीकृति की बात करेंगे तो उसके लिए पब्लिक अकाउंट फंड में दोस्तों हमें स्वीकृति की आवश्यकता होती है चलिए फटाफट बताइएगा और इसका जो आर्टिकल है कंटेंजेंसी फंड का वो टू हमें देखने को मिल जाता है और कंटेंजेंसी फंड दोस्तों क्या होता है ये आकस्मिक निधि फंड होता है यहां पर हमेशा पांच करोड़ रुपए रखा रहता है जैसे

अब ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कई बार परीक्षाओं में पूछा गया था क्योंकि होता क्या है हमने ये तो पढ़ लिया हमने ये तो पढ़ लिया कि वित्त आयोग में दोस्तों की पंद्रवा जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है एनके सिंह लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये नहीं पढ़ा था कि चौदहवा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन तो यहां पर नाम किसका आ गया दोस्तों तो वाई वी रेड्डी जी का नाम आ गया कितने लोगों ने सही किया था कुछ याद आ रहा है ठीक है हाँ ये नाम देखने मिलते हैं तेरहवें की बात करने से पहले विजय केलकर का नाम आता है चक्रवर्ती रंगराजन का नाम आता है इस तरीके से ये आपको वित्त आयोग से क्वेश्चन यहां पर देखने को डायरेक्ट दोस्तों मिल जाते हैं चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत और संयुक्त अरब जो अमीरात है उसकी सेनाओं के मध्य संयुक्त तो सैन्य अभ्यास जिसका नाम है दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन ये कहां पर आयोजित किया जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डेजर्ट साइक्लोन पढ़ा है दोस्तों ये एक संयुक्त तो हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट डेटा नोट डाउन करते जाओ और आंसर भी देते जाओ हाँ यहां पर राजस्थान आ रहा है थार मरुस्थल थार आंसर दे रहे हैं सभी लोग चलिए बी राजस्थान राजस्थान वेरी गुड बहुत शानदार है ना ये दोस्तों दो जनवरी से पंद्रह जनवरी तक आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो राजस्थान में थार मरुस्थल की बात करते हैं तो यहां पर आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर तो संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय सेना की बात करें दोस्तों तो ये डेजर्ट साइक्लोन इसको नाम यहां पर दिया गया है ठीक है ठीक याद रखिएगा और ये दो जनवरी से पंद्रह जनवरी तक चलेगा कहां पर चलेगा तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा किसका दोस्तों ये मिलिट्री एक्साइज है तो भारत और यूई जिसको हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानते हैं और दोस्तों जितनी भी एक्साइज है इनका उद्देश्य होता है कि एक निर्धारित करना ठीक है परस्पर भाईचारे की भावना और अपनी शक्तियों पावर को दिखाने का एक अवसर मिलता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है तो जिसको हम यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के बाद में किस राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाया है यह हम बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर की और यहां पर आंसर क्या आएगा तो आंसर हो जाएगा तहरीक

अनलॉफुल एक्टिविटीज ठीक है वो हमने यहाँ पर लागू किया जो है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज आपका आतंकवादी जबकि इससे पहले सत्ताईस दिसंबर को गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू काश्मीर जो मसरत आलम ग्रुप है उस पर प्रतिबंध लगाया था चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में केंद्रीय मंत्री एल मुर्गन ने हेथाई अमन महोत्सव के अवसर पर जो बड़ा गास समुदाय है इसके लोगों के साथ में एक पारंपरिक नृत्य किया है तो क्वेश्चन यह बनता है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है जिसको दोस्तों हम यहां पर इस पर्टिकुलर नाम से जानते हैं हेथाई महोत्सव के अवसर पर ठीक है यह कौन से समुदाय के द्वारा होता है तो यह बड़ा गास समुदाय के द्वारा किया जाता है जैसे विकल्प है कर्नाटक है केरल है तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश है सोच समझ के जवाब देना जल्दबाजी में आंसर केरल मत बोलना चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा कुछ लोग यहां पर केरल बोल रहे हैं चलिए फटाफट फटा आंसर दीजिएगा वेरी गुड चलिए बी केरल तमिलनाडु चलिए यहां पर फिलहाल एक दो आंसर मुझे तमिलनाडु मिले जिसमें तबस्सुम ने तमिलनाडु बोला है पूनम ने तमिलनाडु बोला है कविता का आंसर भी यहां पर उदय का तमिलनाडु देखने को मिला है तो दोस्तों ये अभी चर्चा में विषय इसलिए रहा क्योंकि फिलहाल मंत्री जी के द्वारा नृत्य किया गया इसलिए चर्चा का विषय हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया तमिलनाडु दोस्तों आपने सुना होगा यदि मैं बात करूं तो ऊटी में है ना ऊटी के अंतर्गत हेथाई अम्बन जो महोत्सव है इसके अवसर पर बड़ा गास दोस्तों समुदाय के द्वारा नृत्य किया गया है मंत्री जी के द्वारा तमिलनाडु के दोस्तों नीलगिर जिले में बड़ा गास जो समुदाय इसके बहुत सारे लोग हैं हैं जो जो दोस्तों हेथाई महोत्सव है उसमें भाग लेते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर और यहां पर दोस्तों जो हेथाई अम्मा देवी जो हेथाई अम्मा है उसको अपना यह सम्मान ये अलग अलग समुदाय के द्वारा दिया जाता है तो देवी हेथाई जो अम्मा है तो सम्मान के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि ये हर हर वर्ष उनकी रक्षा करती हैं और उन पर उपकार करती हैं इसलिए ये सम्मान के तौर पे यह नृत्य ये समुदाय के द्वारा किया जाता है याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अलावा इस त्यौहार में एक पवित्र छड़ी के साथ में एक जुलूस भी शामिल होता है जो हागोटू में रखा जाता है अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्न में किसे राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है दोस्तों आप सभी ने यह तो पढ़ा है कि जब मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव की बात करते हैं तो वीरा राणा जी का नाम देखने को मिलता है जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया लेकिन थोड़ा हम यहाँ पर आसपास जो हमारे पर्टिकुलर स्टेट है उनके बारे में भी खबर कवर कर लेते हैं जिसमें पूछा गया है कि राजस्थान का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है प्रशांत मेहता अंजलि अरोड़ा है, है सुधांश पंत का नाम आता है केशव महाजन का नाम दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुधांश पंत अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर क्या होगा सी आंसर हो जाएगा सभी लोगों को सी आंसर दिया है चलिए फटाफट फटा आंसर दीजिएगा वेरी गुड बहुत शानदार चलिए सभी लोगों ने सी आंसर दिया ठीक है तो दोस्तों ये वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर जिसमें नाम आता है सुधांश पंत का नाम आता है इनको राजस्थान राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है और ये उन्नीस बैच के अंतर्गत दोस्तों सुधांश पंत का नाम देखने को मिलता है याद रखना इंपॉर्टेंट नाम है ये चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला यहां पर पॉइंट बनता है दोस्तों मुख्य सचिव में ऊषा शर्मा है ना इनके सेवानिवृत्त होने के बाद में फिलहाल दोस्तों ये नाम हमारा पंत का यहां पर देखने को मिल जाता है, है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा राजस्थान के दोस्तों पहले मुख्य सचिव कौन है तो के राधाकृष्णन का नाम आता है और राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है तो यहां पर दोस्तों नाम किसका आता है कुशल सिंह का नाम आता है जबकि यहां पर दोस्तों दो महिलाएं यहां पर सचिव रह चुकी हैं जिसमें कुशल सिंह का नाम है और दूसरा ऊषा शर्मा का नाम आपको देखने को मिल जाता है चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में कौन सौ अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है फटाफट यदि मैं यहां पर बात करूंगा तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है जिसमें लॉरियल ब्रांड का आपने नाम जरूर यहां पर सुना होगा ठीक है चलिए फटाफट बताइएगा हाँ, क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने पढ़ा है चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेयर्स जिनका पूरा नाम है फ्रांसवा बैटन कोर्ट मेयर्स जिनकी आप लेफ्ट हैंड साइड में फोटो भी देख पा रहे हैं जरा फटाफट देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में फोटो दिख रही है तो ये है फ्रांसवा बैटन कोर्ट मेयर्स जो कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाली दुनिया की पहली महिला और बारहवीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं इनके बारे में हो सकता है आपको जानकारी होगी और आपने पढ़ा भी होगा तो दोस्तों यदि मैं बात करूं तो यहां पर एक रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट इंडेक्स की जिसके अंतर्गत ब्लूमबर्ग बिलियनर्स जो इंडेक्स है इसके अनुसार इनकी जो संपत्ति वो हंड्रेड पॉइंट वन बिलियन डॉलर हो गई जब उनके दादा की ओर से दोस्तों जब मैं सौंदर्य उत्पाद कंपनी की बात करता हूं जिसने आपने लॉरियल का नाम सुना होगा इसके शेयर रिकॉर्ड उचाई पर पहुंच गए तब इनकी संपत्ति दोस्तों 100 बिलियन डॉलर जो है वो क्रॉस कर गई आपने दोस्तों ये कहीं ना कहीं है ना ब्यूटी प्रोडक्ट में लॉरियल का नाम हो सकता है आप सभी ने जरूर सुना होगा सुना है नाम तो एक बार कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा चलिए इसके अलावा दोस्तों बर्नार्ड अन का नाम आता है 179 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ ये दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाती है तो बर्नार्ड जो हैं दोस्तों ये 179 बिलियन डॉलर में दोस्तों हमें दूसरे नंबर पे देखने को मिल जाती है तो ये डेटा भी यहां पर आप लोग याद रखिएगा चलिए यहां तक डेटा क्लियर हो गया चलिए अब दोस्तों कुछ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन थे जो हमने रिवीजन वाले पार्ट में यहाँ पर रखे थे ना कुछ रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स का फिर आगे बढ़ते हैं तो रिवीजन में पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा जब मैं सीआरपीएफ की बात करता हूँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तो इसके अध्यक्ष कौन बन गए तो याद रखना अनिश दयाल सिंह तो अनिस दयाल सिंह कौन बन गए दोस्तों तो ये सीआरपीएफ के अध्यक्ष बन गए हैं इसके अलावा दोस्तों हम आईटीबीपी की बात करें जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हैं पैरामिलिट्री फोर्स इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए महानिदेशक तो नाम आता है राहुल रसगोत्रा ये भी नाम आप लोग यहां पर याद रखिएगा जबकि दोस्तों हम सी की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की अध्यक्ष बनी है जो पहली महिला महानिदेशक के तौर पर जिनका नाम है नीना सिंह तो तीन नाम एक साथ याद कर लेना ये मैंने कल भी बताया था लेकिन मैं डेली कुछ पॉइंट ऐसे रख लेता हूं जो आपके साथ में रिवीजन भी यहां पर होता जाए और ये तीनों फोटो दिख रही हैं आपको ये अनिस दयाल सिंह जी हैं ये राहुल रसगोत्रा जी हैं और ये नीना सिंह है ठीक है तो ये तीन फोटो भी थोड़ा दिमाग में बैठा लेना कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए तो रिविजन में फिर से रिपीट करा रहा हूँ सीआरपीएफ अनिस दयाल सिंह का नाम हो गया आई में राहुल रसगोत्रा जी का नाम हो गया और नीना सिंह का नाम दोस्तों हमें सीआईएसएफ में देखने को मिल जाए

9 में ठीक है तो एसएसडी में रश्मि शुक्ला का नाम आ गया और इसके अलावा दोस्तों यदि भारतीय सेना में इंजीनियर इन चीफ की बात करेंगे अरविंद वालिया जी हैं और जब हम दोस्तों सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की बात करते हैं तो बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है माननीय अध्यक्ष नितिन अग्रवाल और आई इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है तो इनका नाम है राकेश पाल याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अलावा दोस्तों कुछ मैंने और भी रिवीजन कराया था ये आपको होगा जनरल मनोज पांडे जी थलसेना अध्यक्ष हैं जबकि नौसेना की बात करते हैं तो एडमिरल आर हरि कुमार आर हरि कुमार ये कौन है दोस्तों तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे भारत की नेवी जो इंडियन नेवी है उसके अध्यक्ष हेड है ठीक है जनरल मनोज पांडे आर्मी के चीफ हैं आर हरि कुमार दोस्तों एडमिरल ये हमारे नेवी के चीफ हैं जबकि दोस्तों हम डिफेंस स्टाफ की बात करें जिसको हम सीडीएस के नाम से जानते हैं तो सीडीएस में जनरल अनिल चौहान का नाम आता है और एयर फोर्स के हेड की बात करें तो इंडियन एयर फोर्स के अध्यक्ष कौन दोस्तों हेड कौन है तो इनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी तो ये तीनों डेटा आप यहां पर पैरेलल तरीके से दोस्तों आप यहां पर याद कर सकते हैं चलिए तो यहां पर दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कुछ रिवीजन और कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम एनिमेशन डे कब मनाते हैं तो एनिमेशन डे हम 28 अक्टूबर को मनाते हैं कब मनाते हैं तो एनिमेशन डे अट्ठाइस अक्टूबर को मनाया जाता है बहुत सारी आपने मूवी एनिमेशन देखी होंगी तो कौन सी मूवी आपकी एनिमेशन मूवी सबसे फेवरेट है एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है 2012 में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया था देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी फिल्में है जिसमें कुंफू पांडा हो सकता है आपने मूवी देखी हो जंगल बुक का नाम भी यहां पर देखने को मिल जाता है ठीक है कोई मूवी देखी टॉम एंड जेरी चलिए सिंड्रेला ठीक है तो ये आपको एनिमेशन दिख रहा है तो याद रखना ट्वेंटी एट तो ऑफ अक्टूबर को हम एनिमेशन डे मनाते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट से संबंधित कुछ रिवीजन कर लेते हैं जब हम मालदीव की बात करते हैं दोस्तों तो मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको करवाया है तो यदि मैं मालदीव की बात करूंगा तो मालदीव के दोस्तों राष्ट्रपति में राष्ट्रपति के तौर पर नाम किसका आता है मोहम्मद म्यूजू का नाम आता है जो कि जिनकी आप फोटो भी सबसे ऊपर देख पा रहे हैं दिख रही है भैया फोटो याद रखिएगा तो मालदीव की कैपिटल क्या है तो कैपिटल है इसकी माले है ना करेंसी क्या है रुफिया करेंसी क्या है रुफिया तो रुफिया यहाँ की मुद्रा है कैपिटल इसकी माले है और मोहम्मद जो मजू हैं ये वर्तमान में दोस्तों किसके राष्ट्रपति हैं तो ये आपको मालदीव के राष्ट्रपति आपको देखने को मिल जाएंगे अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा जिसका नाम है सार्क इसी को हम दक्षेस के नाम से जानते हैं ठीक है दक्षेस का क्या मेंबर सदस्य देश मालदीव है तो याद रखना हा जब हम साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो इसके अद, इसके मेंबर कंट्री में मालदीव का नाम आपको देखने को मिल जाता है इसकी मैंने ट्रिक बताई थी याद आ रही सार की ट्रिक क्या थी सार की ट्रिक थी आपकी कि आपको लिखना है एमबीबीएस फिर क्या लिखना है तो फिर आपको लिखना है यहां पर पेन क्या लिखना है पेन तो एम से क्या हो जाएगा तो मालदीव एम से हो जाएगा मालदीव बी से क्या हो जाएगा भूटान इस से हो जाएगा बांग्लादेश ये हमारे सार्क के मेंबर हैं बांग्लादेश अगला नाम हो जाएगा हमारा श्रीलंका श्रीलंका के बाद में पी से क्या हो गया दोस्तों पाकिस्तान पी से क्या हो गया हमारा पाकिस्तान नाम हो गया ठीक है इसके अलावा से क्या हो गया दोस्तों तो से अफगानिस्तान हो गया अफगानिस्तान ठीक है आई से क्या हो गया ठीक है तो आई से नाम हो गया है, इंडिया है ना हमारे एन से हमारा नाम क्या आ गया, गया दोस्तों तो यहाँ पर नेपाल नाम देखने को मिलता है तो ये हमारे सार्क के मेंबर कंट्री हैं और सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं। दोस्तों तो याद रखना आठ देश आपको मिलते हैं जिनको हम सार्क के सदस्य के देश के रूप में जानते हैं मुझे उम्मीद है आपको डेटा यहाँ पर याद हो गया होगा इसके अलावा दोस्तों इजराइल अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है तो इजराइल की बात करें तो इसराइल की कैपिटल क्या है दोस्तों जेरूसलम है। क्या है जेरूसलम है और इसकी मुद्रा है न्यू सेकिल ठीक है और अब क्वेश्चन बनता है प्राइम मिनिस्टर का दोस्तों कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन है तो नाम याद रखना बेंजामिन नेतन्याहू क्या नाम आता है बेंजामिन नेतन्याहू का नाम आपको देखने को मिलता है जबकि आईजेक हरजोग आपके यहां के राष्ट्रपति हैं डेटा याद रखिएगा चलिए आगे बढ़े भैया हाँ आग लगा दो सभी लोग बहुत शानदार बहुत शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग बहुत शानदार और मैं यही चाहता हूं कि नए साल का आगाज जिस तरीके से आप लोगों ने किया है ये बरकरार रखना है ना डाउन मत हो जाना कि लगता है नहीं सर अब आधा घंटे और पढ़ना पड़ेगा तो आप सभी को दोस्तों बताए इसलिए आप सभी के लिए न्यू ईयर गिफ्ट जो कल मिलने वाला है आपको दोस्तों चार जनवरी दो हजार चौबीस को महामैराथन करेंट अफेयर्स की क्लास का आगाज हो रहा है कल हो रहा है सुबह आठ बजे महामैराथन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स दोस्तों कल आपकी महामैराथन क्लास होगी पांच से छह घंटे की जिसमें हम सुबह आठ बजे से कंप्लीट मध्य प्रदेश कंप्लीट मध्य प्रदेश दोस्तों करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सुबह आठ बजे क्लास होगी कल होगी है ना कल क्लास होगी तो पांच छह घंटे के लिए मोबाइल चार्ज कर लेना इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर बना लेना क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है ना पांच से छह घंटे की इसमें हम संपूर्ण एक साल का जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का करेंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं तो कल भैया शानदार आनंद आने वाला है क्योंकि मिलने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश स्पेशल चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला नाम आता है इटली का तो यदि मैं थोड़ा इटली का भी रिवीजन कराना चाहूं तो इटली की राजधानी क्या है दोस्तों तो रोम ठीक है और इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है तो इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं ये है जॉर्जिया मेलोनी ठीक है कौन है ये तो ये है जॉर्जिया मेलोनी ठीक है नाम। तो इटली की दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है जॉर्जिया मेलोनियो प्रेसिडेंट कौन है सर्जियो मैटरेला जबकि दोस्तों करेंसी क्या है तो यूरोप में आता है तो इसलिए यूरोप से संबंध में यूरो आपको नाम यहां पर देखने को मिल जाता है तो यह डेटा भी आप यहां पर याद रखिएगा अगला दोस्तों नाम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के दौरे पर थी और तंजानिया की राष्ट्रपति का नाम क्या है तो जब हम तंजानिया की बात करते हैं दोस्तों तो तंजानिया में हमारा डोडोमा नाम देखने को मिलता है जो उसकी कैपिटल है इसकी करेंसी है और राष्ट्रपति हैं सामिया सुलो हसन जो कि भारत के दौरे पर थी इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को यहां से मिल जाता है इसके बाद दोस्तों जापान की बात करें जापान चर्चा में क्यों है क्योंकि तो जापान में दोस्तों हम बात करें तो जी जो सम्मेलन है वो इस साल कहां पर हुआ तो वो हिरोसमा में हुआ ठीक है जापान में इसलिए जापान चर्चा पे जापान जापान के प्रधानमंत्री कौन है तो इनका नाम है फ्यूमो किसदा जबकि कैपिटल कौन है टोक्यो है और मुद्रा यहां पर चलती है दोस्तों ये इसका साइन है इसको हम येन के नाम से जानते हैं तो ये जापान की क्या है तो ये जापान की मुद्रा और प्रधानमंत्री कौन है भैया तो प्रधानमंत्री साहब आपको फोटो दिख रही है इनका नाम एक बार कमेंट करके बता देना इनका नाम है फ्यूमियो किसदा ठीक है समझ में आ रही बात यहां तक चलिए इसके अलावा दोस्तों कुछ और रिवीजन कर लेते हैं तो आई जिसको हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया तो इनका नाम है संजय कुमार जैन ठीक है आई IRCTC के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो CMD बने हैं उनका नाम क्या है तो उनका नाम है संजय कुमार जैन और आप सभी को पता है दोस्तों जब IRCTC की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे के साथ में ये काम करता है जो भारतीय रेलवे संबंधित सुविधाएं हमें प्रदान करता है नाम पता है संजय कुमार जैन ठीक है चलिए अभी होमवर्क भी देना आप सभी को हा होमवर्क भी मिलेगा चलिए आगे बढ़े चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि प्यूमा के द्वारा पूमा के द्वारा मोहम्मद समी को क्या बनाया गया है ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया दोस्तों आप सभी को होगा कि यदि हम पूमा की बात करते हैं तो ये हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित चीजों को बनाता है शूज है है ना बाकी सारी चीजें तो पूमा के ब्रांड अम्बेसडर कौन है भैया तो याद रखना यहां पर मोहम्मद समी का नाम आपको देखने को मिल जाता है बस एक मिनट क्लास में कंप्लीट कर रहा हूं आप सभी को थोड़ा होमवर्क दे देता हूं तो होमवर्क दोस्तों पहला आपके सामने ये रहा पहला होमवर्क है फटाफट देखिएगा जिसका आंसर आप क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन पे देंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में किसे निराला सृजन पीठ का निदेशक नियुक्त किया गया है जिसमें डॉक्टर साधना बलवटे का नाम है अर्चना सिलावट है है दिनेश और आलोक अलो, लोहाटी का नाम आता है तो किसको निराला सृजन पीठ का निदेशक नियुक्त किया गया यह पहला क्वेश्चन है और कल जिन्होंने आंसर फास्ट दिए थे मैं उनके नाम भी रिपीट यहां पर करूंगा इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि निम्न में कौन सा राज्य देश की जीडीपी के योगदान में दूसरे नंबर पर है है ना कौन सा राज्य ऐसा है जो कि फिलहाल दोस्तों देश की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने ये रहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको हम एनसीआरबी के नाम से जानते हैं इसके रिपोर्ट के अनुसार जो खाद्य पदार्थ है उसमें मिलावट के मामले में कौन सा शहर देश के पहले स्थान पर यह है आज का तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क और लास्ट क्वेश्चन भी आपको मैं यहां पर शेयर कर देता हूं जो होमवर्क के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन बन गया है यानी एरिया वाइज यदि मैं बात करूंगा तो एरिया वाइज आपको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन बन गया सागर है शिवपुरी है छिंदवाड़ा है या फिर बैतूल का नाम देखने को मिलता है और जो भी आपके क्वेश्चन ऑफ आप द डे रहेंगे इन पर हम कल भी चर्चा यहाँ पर साथ ही में है ना कर लेंगे ना इयरली करेंट अफेयर्स के अंतर्गत तो उम्मीद है दोस्तों आज के सेशन में जो भी हमने डिस्कशन किया है उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके कवर हुए होंगे अब हम विजेताओं की घोषणा कर देते हैं जिन्होंने कल सबसे फास्ट आंसर कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल सही दिया था तो किन्होंने किन्होंने आंसर सही दिए हुए उनके नाम में एक बार रिपीट कर देता हूं चलिए फटाफट देख लेते हैं किन्होने आंसर यहां पर कल सबसे सटीक दिए हुए हैं तो इसमें दोस्तों कुछ नाम आते हैं लगभग लगभग ट्वेंटी मोर देन स्टूडेंट ने आंसर दिया था जिसमें रानी सिंह ने सबसे सही सटीक जवाब दिया था मैंने कल आपसे पैरामिलट्री फोर्स की स्थापना पूछी थी जिसमें बी एस एफ 1969 सिक्सटी फाइव सी आई एस एफ और एस एस ये मोहित विश्वकर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया श्रेया सिंह का नाम आता है का पाटीदार चिंटी ने आंसर दिया है कल्पना जैन है शिवानी राजपूत है इसके अलावा निशा चौधरी माधुरी गुप्ता रानी पाठक और शिवम तोमर ने बिल्कुल फास्ट और सटीक आंसर दिए थे और अब मुझे देखना है कि आज के सेशन में सबसे फास्ट आंसर होमवर्क के कौन कॉमेंट सेक्शन पे देता है चलिए दोस्तों तो मुलाकात होगी आप सभी से कल सुबह फिर आठ बजे महा मैराथन आगाज के साथ छह घंटे स्पेशल मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में तो कहीं जाना नहीं है क्लासेस में रेगुलर रहना है और कल कब सभी मित्रों को भी ले आना है क्योंकि सेशन होने वाला है कल का बहुत जबरदस्त मिलते हैं दोस्तों कल मुलाकात होती है जय हिंद थैंक यू सो मच गाइस